नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। आपको बता दें, पटना से मुंबई पुणे आने जाने वालों को सहूलियत देने के लिए 3 जोड़ी ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। जी हाँ, ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स को रेलवे ने सहूलियत दी है। मुंबई और पुणे से बिहार के लिए चलाई जा रही 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इसके परिचालन के दिनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा फायदा कोरोना काल में महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे लोगों को मिलेगा। इसके अलावा रेलवे ने पटना और एर्नाकुलम के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। जिन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के दिनों में बढ़ोतरी की गई है, उसमें लोकमान्य तिलक से दरभंगा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 01097 वाया 01098 शामिल है। लोकमान्य तिलक से 26 और दरभंगा से 27 अप्रैल तक ये ट्रेनें चलेंगी। दोनों ही तरफ से ये ट्रेनें सप्ताह में एक दिन चलती हैं। आपको बता दें कि इसी तरह पुणे और दानापुर के बीच चलने वाली 01401 और 01402 स्पेशल ट्रेन अब पुणे से 30 अप्रैल और दानापुर से 2 मई तक चलेगी। इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाया जा रहा है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दानापुर के बीच चलाई जा रही 01091 और 01092 स्पेशल ट्रेन को मुंबई से 29 और दानापुर से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस ट्रेन को भी सप्ताह में 2 दिन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना से एर्नाकुलम के बीच 06359 और 06360 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। पटना से सप्ताह में 1 दिन यह ट्रेन चलेंगी। मंगलवार के सुबह 6:30 बजे आएंगी और उसी दिन शाम को 6:30 बजे पटना से वापस एर्नाकुलम के लिए रवाना हो जाएंगी। इस स्पेशल ट्रेन की पहली शुरुआत एर्नाकुलम से 1 मई की रात 11:55 बजे होगी, जबकि पटना से यह ट्रेन 4 मई को चलेगी। आने जाने के क्रम में यह स्पेशल सुपरफास्ट रेगुलर चलने वाली पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी और प्रयागराज से रास्ते जाएंगी, उसी के तर्ज पर यह स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इसके साथ ही हम आपको अपडेट कराते हैं, महाराष्ट्र में जो अफवाहें फैल रही हैं कि वहां पूर्ण लॉकडाउन लगेगा, उसी बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका के बीच सेंट्रल रेलवे ने 106 नई ट्रेनों का ऐलान किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल अंत तक के लिए 106 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। रेलवे ने मुंबई, पुणे और सोलापुर से उत्तर भारत के शहरों की ओर स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रेलवे की ओर से कहा गया है कि मुसाफिर पैनिक ना करें, जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनें दी जाएंगी। आपको बता दें कि 18 से 20 रेगुलर ट्रेन पहले से रोज उत्तर और पूर्वी भारत के लिए चल रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल से अब तक 25 स्पेशल ट्रेनें उत्तर भारतीय शहरों के लिए चल चुकी हैं। इन्हीं इलाकों के लिए ट्रेनों की ज्यादा मांग है। मांग बढ़ने के कारण सोमवार को गोरखपुर के लिए खासतौर पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सभी ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 100% है, यानी ट्रेन भरकर चल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की संभावना की चर्चा के बीच रेलवे ने अपील की है कि मुसाफिर ना घबराएं, ट्रेनें बंद नहीं होंगी। रेलवे की ओर से कहा गया है कि फिलहाल सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। रेलवे ने योजना बनाई है कि किसी ट्रेन में टिकट की मांग बढ़ने पर उस ट्रेन के पीछे डुप्लीकेट ट्रेन चलाई जाएंगी। इसी के तहत सोमवार रात सेंट्रल रेलवे ने मुंबई से गोरखपुर के लिए एक डुप्लीकेट ट्रेन चलाई है। रेलवे ने मुसाफिरों से अपील की है कि मांग बढ़ने पर और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसलिए मुसाफिर किसी भी हाल में घबराए नहीं और ना ही किसी तरह की अफवाह पर ध्यान दें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा के बीच मुंबई से बाहर जाने वाली गाड़ियों में पिछले सप्ताहांत में भीड़भाड़ देखी गई। यह जानकारी आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में कोविड-19 को लेकर नई पाबंदियां लगाने के बाद से ही बाहर जाने वाली रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ लग गई है, लेकिन सप्ताहांत की भीड़ ज्यादा देखी गई। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के कयास लगाए जा रहे हैं।